माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी, सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित चीफ सेक्रेटरी साहब, अधिकारी वर्ग, हमारे सूचना एवं प्रसारण के सीपीएस संजय अवस्थी जी, सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस ने चुनावों से पहले एक वादा हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों से किया था और कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी को हिमाचल की जनता सत्ता में लाती है तो हम अपने सरकारी कर्मचारी और जो सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाएंगे। एक महीने के बाद हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ और हमने जो वादा किया था कि पहली कैबिनेट में, आज हमारी पहली कैबिनेट हुई जिसमें मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में विकास की नई सीमाएं लिखी हैं, नए आयाम स्थापित किए हैं, उन सबको तकरीबन 1,36,000 के करीब ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ आज से मिलना शुरू हो गया है। इसकी नोटिफिकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट आज या कल में कर देगा और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे 1,36,000 कर्मचारी, चाहे वो बोर्ड्स के है, चाहे वो निगमों के है या कॉरपोरेशंस के है, जो भी पेंशन्स के तहत आते होंगे उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है। ये कांग्रेस पार्टी की पहली गारंटी योजना थी जिसमें श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सोलन में उस समय सरकारी कर्मचारी जो शिक्षक वर्ग के कर्मचारी थे डीसी ऑफिस के पास बैठे थे, मैं और मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी उनके साथ गए। वहां हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी कहा था कि पहली कैबिनेट जब होगी हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। तो सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को लोहड़ी का ये तोहफा हिमाचल प्रदेश की सरकार की तरफ से उन्हें दिया गया है। 1,36,000 जो कर्मचारी है आज लोहड़ी खूब धूमधाम से मनाएंगे।